बारे में और एक्सेल की लिमिटेशंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल 2013 का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे सबसे लेटेस्ट वर्जन है हमारा 2013, इससे भी लेटेस्ट कोई वर्जन नहीं आया है और एक कुछ 2007 को ही अपग्रेड किया गया है और इसमें कुछ नए फीच बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी लुक को चेंज कर दिया गया है और थोड़ी सी आपको इसमें नए फंक्शंस डाल दिए गए। ठीक है, अब इसमें हम सबसे बात करते हैं, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि इसकी आपके सामने जो दिख रहा है बेसिकली एक्सेल क्या होता है, रो एंड कॉलम होता है। एक्सेल में क्या होता है, रो एंड कॉलम की कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे आप बचपन में आप लोग टेबल्स क्रिएट करते थे ना, जिसमें कॉलम होते थे रो होते थे, जस्ट लाइक वही उसी तरह का यहाँ पे है, लेकिन डिजिटल है और काफ़ी ज़्यादा में है। तो सेम ऐसे हर सेल का एक एड्रेस होता है। एड्रेस देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि C2 मतलब तीसरा सी कॉलन और दूसरा नंबर रो, तो हर सीट का अपना एक ये है एड्रेस है। उस तरह से अभी C2 जो है, ये C2 हमारे किसका, C1 का है, ऐसे ही कुछ और का होगा C2 का, C3 का, तो हर सीट में इस तरह का चीज़ें होती है। तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में कि हम एक सेल में कितना लेटर टाइप कर सकते हैं या फिर एक सीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, एवरीथिंग मैं लिमिटेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कहाँ से पता चलेगी। तो देखिए आप लोगों के जब भी कोई प्रॉब्लम होती है एक्सेल में, आप लोग क्या करते हो, आप लोग गूगल पे जाके सर्च करते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एक्सेल हेल्प में देखिए। एक्सेल हेल्प जैसे आप F1 प्रेस करते हैं या फिर जो हेल्प का ये आइकन आता है इस पर क्लिक करते हैं, आपका जो है एक्सेल हेल्प खुल के आता है। ठीक है, एक्सेल हेल्प में यहाँ पे जैसे मुझे लिमिटेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिमिटेशंस के लिए यहाँ पे लिमिट्स लिख के सर्च करता हूँ। लिमिट्स लिमिट्स यहाँ पे सबसे पहला क्या आ रहा है, एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके एक्सेल के सारे लिमिट्स आ गए, यहाँ पे फीचर्स एंड मैक्सिमम लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लिमिटेशन दिया हुआ, तो सारे के सारे लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ। चलिए किसी से कुछ चीज पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओपन वर्कबुक, मतलब कि एक बार में आप कितने फाइल ओपन कर सकते हो। जैसे अभी फिलहाल मैंने एक ओपन कर रखा है, ऐसे कितने फाइल थे यहाँ पे लिखता है लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। अभी क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अनलिमिटेड बोल देते हैं और नॉट एक्सेल, जहां तक मेरी अनुमान है कि पूरी की पूरी कंप्यूटर के अंदर में अनलिमिटेड वर्ड नहीं होता है। क्यों, सिंपल सा थ्योरी ये है कि एक्सेल में हम जब भी हम एक्सेल या जब भी किसी कंप्यूटर पे हम कुछ काम करते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी में सिस्टम में एक स्पेस कैप्चर होता है। ठीक है ना, उस स्पेस जो कैप्चर होता है वो स्पेस क्या होता है, वो स्पेस जो कैप्चर होता है वो आपकी सिस्टम के हार्ड डिस्क या फिर रैम पे कैप्चर होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है जिसमें आपका कभी तक मतलब कि अनलिमिटेड हार्ड डिस्क हो या अनलिमिटेड रैम हो, ऐसी कुछ नई चीज़ बनी है। ठीक है ना, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड, हाँ लिमिटेड निबल इज नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। अनलिमिटेड वर्ड कंप्यूटर में यूज नहीं किया जा सकता कि हर कंप्यूटर की एक साइज होती है उसके लिए। अच्छा ठीक है, वर्कशीट की साइज कितने रो एंड कितने कॉलम्स है, कॉलम विड्थ कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ना इसको कितना, इसकी विड्थ को कितना बड़ा कर सकते हैं, रो की हाइट कितनी बड़ा कर सकते हैं, कितने पेज ब्रेक्स हो सकते हैं, एक सेल में कितने करेक्टर लिख सकते हैं, कितने लेटर हम लिख सकते हैं, हीडर के अंदर कितने करेक्टर लिख सकते हैं, कलर कितने अप्लाई होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको एक बार केजुअली पढ़ लीजिए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम की बात आई तो किस तरह की प्रॉब्लम होगी, मतलब कि हमें क्या जरूरी है इस चीज़ को जानना, हमें क्या लेना देना है कि कॉलम कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा मैं करूँगा उतना बड़ा होना हो जाएगा, अगर जहाँ नहीं होना होगा नहीं होगा क्या।
तो बेसिकली इसका यूज नॉर्मल एक्सेल में कम होता है, वीवीए मैक्रो में ज्यादा होता है। जैसे कॉलम विड्थ आपको बड़ा करना है तो उसके लिए आप वीवीए प्रोग्रामिंग में क्या लिखोगे, कोड लिखोगे कॉलम सी बाई सी डॉट विड्थ इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर, 500, 300, 400 जो भी नंबर है वो नंबर लिखोगे आप। तो कभी ऐसी प्रोग्रामिंग कर रहे हो जहां पे आपको कॉलम विड्थ की साइज काफी बड़ी चाहिए, काफी बड़ी साइज चाहिए कॉलम की, वहां पे क्या हुआ कि वहां पे आपको साइज बड़ी चाहिए थी, आपने क्या किया कि आपने इसमें 500 कॉलम विड्थ 500 डाल दिया या 1000 डाल दिया, ठीक है। हाँ तो वहां पे दिक्कत हो गई ना, क्योंकि 500 इसके कैपेसिटी से बाहर है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। हाँ, तो वहां पे एरर आएगा। एरर आएगा तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि एरर कहाँ पे एरर हमारा आ रहा है। तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं, तो हमें लिमिटेशन के बारे में जानना जरूरी है। लिमिटेशन के बाद हम जानते हैं कि हम किस ये आपका कि किसी वर्ड किसी भी इसके बारे में, अगर मुझे किसी ऑप्शन के बारे में जानना है, मैंने मान लीजिए आप काफी पहले कुछ यूज किया था, आपने काफी पहले आपने उस फंक्शन का यूज किया था लेकिन उसके बारे में भूल गए हो, थोड़ा सा हिंट मिलेगा तो आप उसके बारे में जान जाओगे। तो उसके लिए भी आप जस्ट उस पर कर्सर रखो, कर्सर रखते ही उसका स्क्रीन टिप्स आपको यहाँ आ जाएगा जिसमें उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है। इसको पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसके पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, F1, F1 प्रेस कीजिए, आपको हेल्प खुलेगा और हेल्प खुलते ही उसमें वो पर्टिकुलर जो है वो वही वही आएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो आप गूगल पे या और गूगल पे जाके वो सर्च करते हो तो वहाँ पे जो चीज़ें आती है वो चीज़ें आपको 100% सही नहीं होगी, क्योंकि वो प्रूफ रीडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो आप जैसे हम जैसे लोग ही डालते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्सेल हेल्प में चीजें डली हुई है वो प्रूफ रीडिंग के साथ डली होती है। तो यहां पे हम हर एक चीज के लिए हम एक पहले एक्सेल में सर्च कीजिए, उसके बाद बाहर जाइए। अब बात करते हैं यहां पे हम इसकी क्या कि किस तरीके से हम शॉर्टकट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि किसी भी ऑप्शन को हम दो तरह से यूज करते हैं। पहला कि हम पहला यूज करते हैं कि हम माउस से, मान लो कॉपी करना है तो हम माउस सिलेक्शन किए, माउस से कॉपी कर लिए। लेकिन दूसरा है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कर लिए। कंट्रोल सी क्या है, शॉर्टकट। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि शॉर्टकट हम यूज क्यों करते हैं, शॉर्टकट यूज हम उसलिए करते हैं, देखिए मैम, कि हमारा जो वर्किंग स्पीड है ना शॉर्टकट्स यूज करने से बढ़ जाता है। ठीक है, आप जब मैंने यूज करते हो शॉर्टकट के जरिए काम करते हो, माउस के जरिए काम करते हो, तो माउस की अपेक्षा शॉर्टकट से आपका काम जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो उस केस में हम शॉर्टकट यूज करते हैं, बट यहां पे पता चला है कि शॉर्टकट्स मिलेगा कहाँ से, शॉर्टकट्स के बारे में हम पता कहाँ से चलेंगे, किस ऑप्शन में क्या शॉर्टकट्स है। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर जिसके बारे में हमें कॉपी के बारे में चाहिए, कर्सर रखिए नीचे, देखिए कंट्रोल सी आपको लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट में, वो आपके शॉर्टकट्स है। पेस्ट के लिए देखिए कंट्रोल वी, ऐसे ही आपके पास जितने भी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें फिल्टर के बारे में, तो फिल्टर क्या आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है ना। ऐसे हर ऑप्शन का शॉर्टकट आपको वहां पे दिख जाएगा। लेकिन अगर इसकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए मुझे, तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे, लिस्ट के लिए हम यहाँ पे जहां पे हमें लिमिट है F1 प्रेस करके जो हेल्प आई थी, जहां पे हमें लिमिट सर्च किए थे, वहीं पे हम सर्च करेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट्स यहां पे देखिए कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है, उस पर सर्च कीजिए। अब यहां पे आपके सारे शॉर्टकट्स लिस्ट दिख जाएंगे, की और डिस्क्रिप्शंस।
जितने शॉर्टकट्स है यहीं पे पूरे दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको रट्टा मारने से याद नहीं होगा। आप बोलोगे मैं इसको संस्कृत की श्लोक की तरह रट लूं, तो उससे नहीं है आपको यूज याद होने वाले हैं। इसको आप जब तक यूज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सही है। यूज कैसे करोगे, तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि आप अपने ऑफिस आवर में 1 या 2 घंटे का ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपके पास काम कम होगा। ठीक है, जहाँ पे काम होगा कम, काम होगा बिल्कुल कम काम होगा। ठीक है, तो उस समय आप डिसाइड कर लीजिए कि आप बिल्कुल जो काम करेंगे वो बिल्कुल माउस से न करके आप कीबोर्ड से करोगे। कीबोर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे आप, तो ये माउस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरे के पूरे काम कीबोर्ड से करेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो 2 घंटा है आगे चल के वो आपके पूरे ऑफिस आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके पूरी के पूरी एक्सेल पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सेल का ट्रिक्स है, हम हर किसी को बोलते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में यूज किया भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि मैंने आपको सलाह तो दे दिया कि पूरे काम शॉर्टकट से करो, एक्स माउस भी यूज मत करो, लेकिन हर चीज का शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। जैसे मुझे अगर कलर करना है तो कलर करने के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, इसका शॉर्टकट नहीं है, मुझे माउस से ही करना पड़ेगा या कुछ और तरीका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे। जैसे ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप ऊपर देखिए मेनू बार में एक लेटर एक्टिवेट हो गया है, आ गया है। तो जैसे मुझे कलर अप्लाई करना है तो कलर किसके अंदर में है, तो होम के अंदर में। वापस एज दबाऊंगा तो होम के अंदर आ गया, क्या दबाया आपने? एस। एच एच होम पे एच था ना, देखिए एच था ना यहाँ पे, अच्छा, एच। ओके एच दबाया, फिर कलर के लिए एच है और फिर माउस ओके सेलेक्ट किया वापस कर दिया, सामने दिख जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें बॉर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट दबाया, बॉर्डर किसके अंदर में, होम के अंदर में है, तो अच्छा वापस एज किया और बॉर्डर के नीचे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी दबाया। और यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल बोर्ड अप्लाई करना था, सामने क्या ए लिखा हुआ है तो ए दबा दिया। एक पैटर्न बन जाता है कि अल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर, ऐसे फर्स्ट लेटर, मोस्टली फर्स्ट लेटर होते हैं, लेकिन हर किसी के फर्स्ट लेटर नहीं होते, मोस्टली के फर्स्ट लेटर होते हैं। तो अल्ट एच बी ए, नेक्स्ट टाइम याद हो गया मुझे पैटर्न। ठीक है ना, ऐसे आप अपने मेनू बार की कोई भी काम, कोई भी चीज अप्लाई करनी हो वहां पे अप्लाई कर सकते। मुझे मान लीजिए मुझे मर्ज करना है तो अल्ट एच एम फॉर मर्ज, एम फॉर मर्ज, और सी फॉर मर्ज एंड सेंटर, तो सी दबा दीजिए। तो यहां पे क्या हो गया, अल्ट एच एम सी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पैटर्न याद कर सकते हैं शॉर्टकट्स के लिए। तो जो जो शॉर्टकट जो याद नहीं है या फिर जिसके शॉर्टकट नहीं है वहां पे आप ये चीजें ए मेथड को यूज करके आप अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर राइट क्लिक करना हो आपको तो आपके पास कीबोर्ड में देखिए राइट क्लिक का ऑप्शन होगा कंट्रोल और अल्ट के बीच में। कंट्रोल और अल्ट के बीच में, हाँ एक लिस्ट होगा, इसमें अच्छा एक निशान होगा, एरो का लिस्ट निशान होगा, मिला? ओके, वो विंडोज की तरह है ना, विंडोज का नहीं, कंट्रोल और अल्ट के बीच में, विंडोज की तरह लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में से राइट साइड में, राइट साइड में एरो के बगल में, नहीं राइट साइड पे तो ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन और कंट्रोल होता है, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ये 2 मिनट दीजिए।
ये यहाँ पे होता है ना, ये एक डाउनलोड होना, पिक्चर डाउनलोड हो रहा है। ये रहा ना इस तरह का जो बना हुआ है, अच्छा ये वाला, ओके ओके ये राइट क्लिक होता है, ठीक है। ओके तो राइट क्लिक कीजिए, तो राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपको सामने दिखता है, उस ऑप्शन में हर एक जितने भी आपके पास जो मेनू बार आ रहे हैं उसमें हर एक के नीचे आप देखिए अंडरलाइन लगा हुआ है। जैसे कट में टी के नीचे है, कॉपी में सी के नीचे अच्छा है ना। तो ये सारे आपके शॉर्टकट्स हैं। जैसे मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के लिए मुझे यहाँ पे कर्सर लेके नहीं जाना पड़ेगा। देखिए एफ के नीचे अंडरलाइन है, तो हम यहाँ पे एफ यूज कर देंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मेट सेल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से आपको तो जो भी ऑप्शन अप्लाई करने हैं तो उसके नीचे जो अंडरलाइन लगा है उसको यूज कर सकते हैं आप। अब इसमें है कि अगर मुझे मान लो एल्गोरिदम पे जा, इसमें अलाइनमेंट पे जाना है, तो मैं कंट्रोल टैब यूज करूंगा, अलाइनमेंट पे चला जाऊंगा। तो कंट्रोल टैब से मैं टैब चेंज करूंगा, बॉर्डर पे जाना है, इसके अंदर मूव करना है तो टैब यूज करूंगा, ठीक है। टैब एंड एरो की से अंदर मूवमेंट करेंगे, और नेक्स्ट टैब में जाना है तो कंट्रोल टैब, उधर से वापस आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे आएंगे, कंट्रोल टैब से आगे जाएंगे, ठीक है। और एंटर मारने के लिए ओके, कैंसिल करने के लिए स्कैप, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है कि अगर हम क्या करते हैं, एरो मूव करने के लिए एरो की यूज करते हैं, कर्सर को मूव करने के लिए डाउन अप लेफ्ट राइट। अगर मान लीजिए कभी आपका एरो की खत्म हो जाता है, एरो की खराब हो जाता है, एरो की सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में हमारे पास दो की है, एक एंटर है जो नीचे जाता है, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है हर एक की के साथ, तो शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा, एंटर से नीचे शिफ्ट, एंटर से ऊपर, एंटर से नीचे शिफ्ट, एंटर ऊपर, ठीक है। ऐसे टैब से आगे बढ़ेंगे और सिर्फ टैब से पीछे आएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट डाउन अप, ये हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका कीबोर्ड वर्क ही नहीं कर रहा हो, कीबोर्ड के कोई पर्टिकुलर की वर्क नहीं कर रहा हो, तो उस केस में हमारे पास एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, उसका यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कीबोर्ड, अगर माउस नहीं हो तो आपने देखा कि कीबोर्ड के जरिए काम कर सकते हैं, अगर मान लो कभी कीबोर्ड नहीं हुआ तो काम आप माउस से कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है जिसके जरिए पूरा काम की जैसे टाइपिंग वगैरह करना, कुछ भी करना आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी जरूरत पड़ गई आपको कि कोई की काम नहीं कर रहा है तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे पासवर्ड वगैरह है उसका यूज करना, आपको आप लोग जब नेट बैंकिंग ओपन करते हो तो वहां पे वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आता है ना, I'm sorry, क्या ओपन करते हैं? जब आप नेट बैंकिंग, अब नेट बैंकिंग करते हैं, कोई भी नेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं, तो वहां पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड आता है ना हाँ या पासवर्ड या पासवर्ड डालने के लिए, क्यों ऐसा आता है आपने कभी गौर किया है। अच्छा आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं ना, हाँ तो मूवी में देखते हो जैसे कुछ पासवर्ड हैकर होते हैं, वो क्या करते हैं कीबोर्ड पे के स्प्रे मारते हैं, फिंगरप्रिंट हाईलाइट हो जाता है, फिर उससे पासवर्ड बना लेते हैं। मेरा कभी ध्यान नहीं किया देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मूवी है, मैंने भी देखा, हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है,
उसमें क्या होता है कि कीबोर्ड पे आपने मैंने पासवर्ड डाला, आपने पासवर्ड डाला, आपने डाला पासवर्ड 1 2 3 4, आपने पासवर्ड डाला 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पासवर्ड जब डाला तो यह क्या हुआ कि जब इस पे कीबोर्ड पे जब स्प्रे मारेगा तो फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, तो फिंगरप्रिंट आ जाएंगे तो देखेगा कि पासवर्ड बना लेगा कि 1 2 3 4 पासवर्ड हो सकता है, या फिर 2 3 1 4 हो सकता है पासवर्ड, या फिर 1 4 2 3 हो सकता है, ऐसे कुछ पासवर्ड ले के गेस कर सकता है कि हाँ ये पासवर्ड हो सकता है। उसके उस आदमी के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देखेगा जो मैच कर रहा है तो उससे एक एक अंदाजा लगा सकता है क्या। तो मैंने अल्फाबेट, कभी सॉरी हाँ तो बताइए। इसीलिए होता है अल्फाबेटिक से, इसके आगे उसको पता चल गया कि ए अल्फाबेट यूज किए गए हैं पासवर्ड में और इस पर्सन ने यूज किया है, तो उस अल्फाबेट से कितने वर्ड बनते हैं वो वर्ड बनाएगा, या कितने तरह के पासवर्ड बनते हैं पासवर्ड बनाएगा, फिर उसके रियल लाइफ से कुछ मिलता जुलता पासवर्ड होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, या उसके गर्लफ्रेंड का नाम हो गया, उसके डैड का नाम हो गया, उसके सन का नाम हो गया, तो उससे रिलेटेड होगा तो पासवर्ड कैसे कर सकता है कि ये पासवर्ड है, अगर रियल में हुआ तो क्रैक कर देगा। तो वर्चुअल कीवर्ड जो आता है ना इसी चीज़ को रोक देता है, जो हम लोग नेट बैंकिंग जो यूज करते हैं ना उसमें हम यूज करेंगे, अगर पासवर्ड मान लो यूज करते हैं तो अब मैं इसको बंद कर दिया तो इसमें फिंगरप्रिंट थोड़ी आएगा कि मैंने क्या क्या यूज किया है। क्या इसीलिए हमने बताया आपको वर्चुअल कीवर्ड भी बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, वर्चुअल कीवर्ड का जन्म इसीलिए हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब तो मैंने आपको कीवर्ड के अंदर की सारी चीज, मतलब आपको कीवर्ड शॉर्टकट हैंडलिंग जो था वो मैंने आपको एक्सेल पे बता दिया। अगर मान लीजिए आपको आपको अगर जब एक्सेल से बाहर आते हो, विंडो पे आते हो, तो पूरा का पूरा काम फिर वापस कीवर्ड से करना ही पड़ता है, शॉर्ट माउस से ये फाइल ओपन करना। तो आप यहाँ भी अगर विंडो की के साथ अगर F1 प्रेस करते हैं तो आपको हेल्प सपोर्ट खुल के आएगा जो कि आपका किसका है, विंडो का है। यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं शॉर्टकट, तो यहाँ जो शॉर्टकट्स मिलेंगे किसके मिलेंगे, वो आपको विंडो के शॉर्टकट्स मिलेंगे कि फाइल को रिनेम कैसे करते हैं। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट आया, यहाँ पे आपके आ गए सारे, यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक कीजिए तो पूरे के पूरे यहाँ दिख जाएंगे कि प्रेसिंग की क्या की प्रेस करोगे, जैसे कंट्रोल स्क्रॉल व्हील किया आपने तो जूम होगा, ठीक है ना। विंडोज लोगों के साथ की करते हो तो ओपन चार्म होता है, आप यहाँ पे अगर लोगों के साथ एफ यूज करते हो तो सर्च फाइल खुलता है, एच करते हो तो शेयर होता है, आई करते हो तो सेटिंग होती है, के होता है तो डिवाइस होता है, इस तरह से आपको देख रहे हैं सारे शॉर्टकट्स हैं। या दूसरा F1 से हेल्प आता है, F2 से आपका रिनेम होता है, F3 से सर्च फाइल फिल्टर होता है, F4 से आपको एड्रेस बार दिखता है, अल्ट F4 से क्लोज होता है एप्लीकेशन को, तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं। तो अभी आप क्या कीजिए, एक तो मैंने बताया आपको एक्सेल की लिमिटेशंस, उसको एक बार स्टडी कर लीजिए, दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट्स के बारे में बोला उसको एक बार देख लीजिए, और तीसरा मैंने आपको विंडो शॉर्टकट के बारे में बताया उसको देख लीजिए। इस तरह से अगर आप वर्ड एमएस वर्ड यूज करते हो तो एमएस वर्ड के भी शॉर्टकट निकाल सकते हो, या इसी तरह से आपको अगर पावर पॉइंट यूज करते हो तो पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स निकाल सकते हो, जितने भी शॉर्टकट्स हैं इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो एक बार आप इसको स्टडी कर लीजिए, कल हम लोग एक्सेल की सेटिंग्स और पेस्ट स्पेशल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।